हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोगों के पास एक्टिवा एकदम ओल्ड मॉडल है, जिसका मैं इसका 3G या 2G वगैरह कुछ नाम नहीं आया था, सिर्फ एक्टिवा के नाम से ये चल रहा था। तो ये गाड़ी पूरी रिस्टोरेशन होने के लिए है, पूरा इसका कलर चेंज होगा और बनाएंगे इसको यूनिक टाइप में, एकदम ब्रांड न्यू के जैसा। तो इसका लोगो वगैरह भी हम लोग चेंज करेंगे, जो पूरा नया वाला लोगो आ रहा है लेटेस्ट एक्टिवा 6G में, वो लोगो डालेंगे। इसका दोनों लीवर भी चेंज करना है, लीवर देखेंगे, अगर चलने लायक होगा तो चला देंगे, नहीं तो चेंज भी कर देंगे। और इसका मडगार्ड का हालत बहुत ही ख़राब लग रहा है, खुलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें पार्ट चेंज करने लायक क्या है नहीं है, लेकिन मडगार्ड तो हमको लगता है चेंज ही करने में बेटर रहेगा, जैसा हालत इसको देखने में लग रहा है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें, और शेयर करने से फ़ायदा ये है कि जो भी इंफॉर्मेटिव अगर किसी को जानना हो अपनी गाड़ी के बारे में, तो वो इस चीज़ के लिए आप लोग जान सकते हैं कि क्या पार्ट्स का प्राइस वगैरह। मैं पार्ट्स का प्राइस वगैरह भी टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ, क्योंकि हमेशा डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पार्ट्स का जब तक प्राइस बढ़ेगा नहीं तब तक कुछ मैं डालता नहीं वैसा। तो चलिए गाड़ी की बात करते सीधा, और गाड़ी को पहले हम लोग डिसमेंटल करवाते हैं। डिसमेंटल करवाने के बाद बताएंगे कि क्या क्या उसमें हम लोग इसमें लगाने वाले हैं, क्या क्या चेंज करने वाले हैं, क्या क्या यही यूज़ करेंगे। तो चलिए डिसमेंटल करते हैं। तो फाइनली हम लोगों का गाड़ी पूरा डिसमेंटल हो चुका है, पूरा बॉडी यहाँ के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और इसमें अभी तक कोई पार्ट्स टूटा हुआ नहीं निकला है, लेकिन मेड़गार्ड का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। मेड़गार्ड का कंडीशन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ पहले कि क्या पोजीशन में इसका हालत है। तो देख सकते हो ऊपर से कितना ख़राब है, पूरा जंग सड़ चुका है, अंदर से देख सकते हो इसका हालत सबसे ज़्यादा, पूरा गाड़ी में सबसे सब पार्ट्स में से सबसे हालत ख़राब इसी का है, बाकी सब कुछ इसका एक्यूरेट है, एकदम ओके है। और ये डिक्की में हम लोगों ने हेडलाइट वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि वो तो पेंट होगा नहीं, वो तो कुछ कुछ पार्ट चेंज हो सकता है उसमें, कस्टमर पे डिपेंड करता है, कस्टमर का बजट नहीं है तो फिर पुराना ही हम लोग लगा देते हैं, जो मतलब चलने लायक है वैसा। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस चालू करते हैं। और गाड़ी का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, इसका वायरिंग वगैरह पूरा ख़त्म है समझे। तो और गाड़ी पूरा मिट्टी से पूरा भरा हुआ लगता है, कभी वॉश ही नहीं हुआ गाड़ी बढ़िया से। तो चलिए हम लोग इसका डेंट पहले निकालते हैं, उसके बाद पुट्टी लगाएंगे, पुट्टी का प्रोसेस चालू करेंगे। तो जो हम लोग मेडगार्ड का बात कर रहे थे, मेडगार्ड हम लोगों ने बनवा दिया है, देख सकते हो क्या पोजीशन है इसका। मेडगार्ड हम लोग चेंज करने का विचार बना था, लेकिन बजट बहुत ही ज़्यादा हाई रेंज का मेडगार्ड हो गया, 2000 रुपये का मेडगार्ड हो जाता, तो जिसके कारण हम लोग यही मेडगार्ड को बनवाए हैं, वेल्डिंग वेल्डिंग वगैरह करके, डेंटल वगैरह करवा के। तो चलिए इसमें पेपर वगैरह मारते हैं, और पुट्टी पहले पेपर मारने का काम चालू करते हैं, उसके बाद पुट्टी वगैरह अप्लाई करेंगे। तो
Thank you.
Oh, 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 oh
तो फाइनली हम लोगों का गाड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है पूरा तरह से, आप लोग देख सकते हो। और पहले एक बार पूरी तरह से एक बार मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगा क्या क्या इसमें हम लोगों ने चेंजेस किया है और क्या क्या पुराना ही यूज़ किया। पुराना तो बेसिकली जो लगा हुआ तो है ही, लेकिन क्या क्या हम लोगों ने इसमें चेंजेस किया उसकी मैं बात करूँगा। तो आप लोग गाड़ी का पूरा लुक देख लो, और तब तक आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वहाँ से ले सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने इसमें चेंज किया। तो पहला, इसमें मीटर हम लोगों ने नया डाला हुआ है, दोनों लीवर नया डाल दिया है, और सीट कवर नया डाला हुआ है, और एक्टिवा का ये लोगो जो है इसको हम लोगों ने नया डाला हुआ है, प्लेट नंबर एक नया डाला है, बाकी इसमें कोई चीज़ इसमें चेंजेस नहीं है, सब वही एज इट इज़ लगा हुआ है जो था। तो आप लोग डिफरेंस खुद आप देख सकते हो कि पहले कैसा था अब कैसा है। तो बस खाली चैनल को सब्सक्राइब कर देना।